हेलो दोस्तों, सिविल लर्निंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा दूसरे वीडियो होने जा रहा है जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है, और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो रिसेंटली स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ रहा है। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे पास एक कंटिन्यूस बीम है जिसमें तीन स्पैन है, ए बी, बी सी एंड सी डी। ए बी जो है वो उस पर पॉइंट लोड लग रहा है जो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बीम ए बी है। सिमिलरली बी सी जो स्पैन है उस पर हमारा पॉइंट लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन, जो सेंटर ऑफ द बी स्पैन बी सी पे एक्ट कर रहा है। और जो हमारा स्पैन सी डी है उस पर यू डी एल लग रहा है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के अंदर फिक्स्ड इन मोमेंट फाइंड करना। सो हम फर्स्ट स्टेप पहले सॉल्व करते हैं, उसमें हम फिक्स्ड इन मोमेंट फाइंड करते हैं इस बीम का। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पे, और कोई भी बीम रहेगा या पोर्टल फ्रेम रहेगा, वो मेनली तीन टाइप से लोडेड रहेगा। या उस पर पॉइंट लोड लगा रहेगा जो अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट करेगा, या पॉइंट लोड रहेगा जो सेंटर पे एक्ट करेगा, और नहीं तो उस पर कोई स्पैन होगा जो जिसपे हमारा यूडीएल लगा होगा। तो हम पहले फिक्स्ड इन मोमेंट ऑफ स्पैन ए बी फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे हम एम ए बी, और फिक्स्ड इन मोमेंट को हम कैप से डिनोट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला होगा एम ए बी के लिए माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपन एल स्क्वायर। और हमारा जो ये स्पैन 3 मीटर जो है, ये हमारा ए होगा, और ये जो 1 मीटर है ये हमारा बी होगा। तो इस पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, माइनस डब्ल्यू हमारा हो जाएगा 8, इंटू ए हमारा हो जाएगा 3, इंटू 1 का स्क्वायर होगा डिवाइड बाय एल स्क्वायर, यानी कि 16 हम करेंगे। तो हमारा एम ए बी आ जाएगा माइनस 1.5 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली हमें फिक्स्ड इन मोमेंट फाइंड करना पड़ेगा ऑफ सेम स्पैन ए बी बट फ्रॉम पॉइंट बी। सो हम लिखेंगे एम बी ए कैप, और इस पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पॉजिटिव डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाय एल स्क्वायर। सो हम लिखेंगे प्लस डब्ल्यू हमारा 8 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, इंटू बी यानी कि 1 डिवाइड बाय एल स्क्वायर यानी कि 16। तो हमारा फॉर्मूला वैल्यू आ जाएगा एम बी ए का पॉजिटिव 4.5 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली अब हम स्पैन बी सी में मूव करेंगे और उसका हम फिक्स्ड इन मोमेंट फाइंड करेंगे। तो उसको लिखेंगे हम एम बी सी कैप लगाएंगे, और हमारा ये पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, और फॉर्मूला हमारा हो जाएगा डब्ल्यू एल बाय 8। सो वैल्यू हम डालेंगे, हमारा डब्ल्यू है 10 किलो न्यूटन और एल हमारा 3 मीटर है। सो लिख देते हैं माइनस 10 इंटू 3 बाय 8। सो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 3.75 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली इसको कैपिटल बी से लिखेंगे हम, ठीक है। और फिर हम जाएंगे एम सी बी, तो हम एम सी बी के लिए फिर हमारा यही फॉर्मूला होगा बट पॉजिटिव होगा, डब्ल्यू एल बाय 8 करेंगे। तो ये हमारा प्लस 10 इंटू 3 बाय 8, हमारा वैल्यू सेम आ जाएगा 3.75 किलो न्यूटन मीटर पॉजिटिव में। अब हम जाएंगे स्पैन सी डी के लिए जिसमें हमारा यूडीएल लग रहा है 4 किलो न्यूटन पर मीटर, और स्पैन हमारा 3 मीटर है। तो इसका फिक्स्ड इन मोमेंट का हमारा फॉर्मूला होता है एम सी डी कैप इक्वल्स टू प्लस और सॉरी नेगेटिव डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। तो हम करेंगे माइनस डब्ल्यू यानी कि 4 इंटू एल स्क्वायर, एल हमारा 3 मीटर है, तो ये 9 हो जाएगा 9 बाय 12, और इसका वैल्यू आ जाएगा एम सी डी इक्वल्स टू माइनस 3 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली हमारा एम डी सी के लिए हो जाएगा ये पॉजिटिव में डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, और वैल्यू हमारा सेम आएगा प्लस 3 किलो न्यूटन मीटर। अब हम स्टेप टू में चलते हैं जिसमें हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लगाएंगे ईच एंड एवरी स्पैन पे, फॉर स्पैन ए बी बी सी सी डी, जिससे हमारा इक्वेशन जनरेट होगा जिसको हम सॉल्व करके फाइनल मोमेंट फाइंड करेंगे।
तो ये हमारा स्टेप टू है जिसमें हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लगाएंगे अलग अलग स्पैन के लिए। तो पहले हम स्पैन ए बी पे लगाते हैं एट इंड ए, तो इसको हम लिखेंगे एम ए बी इक्वल्स टू, तो हमारा हो जाएगा एम ए बी इक्वल्स टू एम ए बी प्लस 2EI बाय L टाइम्स 2IA प्लस IB। तो देखो दोस्तों, जैसे कि हमारा इंड A ये हमारा फिक्स्ड इंड है, तो इसका स्लोप हमारा जीरो होता है, तो इसको हम रिलीज कर देंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। इसको हम वैल्यू डालेंगे तो हमारा फिक्स्ड इंड वैल्यू ऑफ MAB जो है वो -1.5 किलो न्यूटन है। सो लिखेंगे हम -1.5 प्लस 2E, और देखो I जो है ये हमारा 2I है, तो हम यहाँ पे डालेंगे 2I बाय स्पैन हमारा 4 मीटर है, 4 मीटर डालेंगे, और ये हमारा ये आई ए जीरो हो गया है, तो सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको आई बी से। तो यहाँ से हमारा इसको सॉल्व करने से हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा -1.5 प्लस ई आई टाइम्स आई बी, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली हम इंड बी के लिए जाएंगे, तो हम लिखेंगे एम बी ए इक्वल्स टू फिक्स्ड इन मोमेंट एम बी ए प्लस 2EI बाय L टाइम्स 2IB प्लस IA। फिर हमारा ये इंड ए फिक्स्ड होने के वजह से ये हमारा रिलीज हो जाएगा, और हम लिखेंगे फिर यहाँ पे तो हमारा फिक्स्ड इन मोमेंट ऑफ MBA का वैल्यू है प्लस 4.5 किलो न्यूटन। सो लिखेंगे 4.5 प्लस 2E टाइम्स I, हमारा 2I है, सो लिखेंगे 2I बाय स्पैन हमारा 4 मीटर हो गया इनटू 2IB। तो हमारा ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगा 4.5 प्लस 2EI टाइम्स IB, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम स्पैन BC में चलेंगे, तो हमारा स्पैन BC के लिए हो जाएगा MBC इक्वल्स टू MBC इक्वल्स टू MBC प्लस 2EI बाय L टाइम्स 2IB प्लस IC। सो फिक्स्ड इन मोमेंट का वैल्यू डालेंगे तो MBC का हमारा वैल्यू है -3.75 प्लस 2E टाइम्स हमारा I का वैल्यू है 3I। सो 3I हम लिखेंगे बाय स्पैन हमारा 3 मीटर है, और देखो अब यहाँ पे देखो हमारा ये IB और IC दोनों साथ में आएगा, क्योंकि अगर हम रिलीज कब करेंगे, ये IB और IC हमारा स्लोप डिनोट करता है, और इसको हम रिलीज तब करते हैं जब हमारा फिक्स्ड एंड होता है। तो अब देखो जैसे कि हमारा एंड B और C को आप देख सकते हो, ये सिंपली सपोर्टेड और इसको हम हिंज्ड बोल सकते हैं, तो ये सिंपली सपोर्टेड हिंज होने की वजह से ये रिलीज नहीं होगा और दोनों साथ में आएगा इस इक्वेशन में। तो हम लिखेंगे 2IB प्लस IC। सो हमारा फाइनल इक्वेशन बन जाएगा -3.75 प्लस 4EI टाइम्स IB प्लस 2EI टाइम्स IC। सो अब हम चलेंगे C इंड के लिए, तो MCB बराबर हमारा हो जाएगा MCB कैप प्लस 2EI बाय L टाइम्स 2IC प्लस IB, और हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे MCB फिक्स्ड इन मोमेंट के लिए हमारा वैल्यू है MCB बराबर प्लस 3.75 प्लस 2E, और I हमारा फिर से 3I होगा क्योंकि स्पैन BC के लिए हमारा I का वैल्यू 3I है। सो हम वही लिखेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे L से, और L हमारा 3 मीटर है, और ये हमारा हो जाएगा 2IC प्लस IB। सो हमारा फाइनल इक्वेशन यहाँ पे फिर से बनेगा 3.75 प्लस 4EI टाइम्स IC प्लस 2EI टाइम्स IB, और ये हमारा इक्वेशन 3 था और ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। सो अब हम इस स्पैन CD के लिए चलेंगे,
स्पैन सीडी के लिए, और ये हमारा इंड जो डी है ये हमारा सिंपली सपोर्टेड और हिंज्ड है, तो इसके लिए हमारा थोड़ा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, हम लिखेंगे एम सी डी इक्वल्स टू एम सी डी माइनस एम डी सी बाय टू प्लस थ्री बाय टू ई आई टाइम्स आई सी। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखो दोस्तों, जो हमारा इंड डी है यहाँ पे हमारा जो हम इसका फाइनल इंड मोमेंट, जो फाइनल मोमेंट हम फाइंड करेंगे एम डी सी, ये जीरो होता है। और अगर हम सेम इक्वेशन अगर यूज करेंगे, ये वाला हम इक्वेशन अगर यूज करते हैं फॉर स्पैन सी डी के लिए, तो हमारा एक वेरिएबल बन जाएगा आयोटा डी, जो कि हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन ऐसा बचेगा। इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा फॉर हिंज सपोर्ट के लिए, और आप लोग क्लियरली वहां पे देख सकोगे कि मतलब क्या प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हमारा अगर एंड में जब भी कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से, और जब हमारा एंड सपोर्ट जो रहेगा वो अगर हमारा अगर सिंपली सपोर्टेड है, कितना भी स्लो से बीच में सपोर्ट क्यों ना हो, पर अगर हमारा एंड सपोर्ट आ गया हिंज्ड अथवा सिंपली सपोर्टेड, एंड सपोर्ट फिक्स्ड रहेगा, फिर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने यूज किया है। अगर ये हिंज्ड आ गया उस टाइम हम ये फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी मैंने लिखा हुआ हूँ। तो हमारा एम सी डी कैप माइनस एम डी सी बाई टू प्लस थ्री बाई टू ई आई टाइम्स आई सी हो जाएगा। अब हम वैल्यू डालेंगे तो हमारा फिक्स्ड इन मोमेंट एम डी सी डी का वैल्यू है माइनस थ्री, माइनस एम डी सी का वैल्यू प्लस थ्री है, तो ये थ्री बाई टू हो जाएगा प्लस थ्री बाई टू ई आई टाइम्स आयोटा सी हम लिखेंगे। और इसको सॉल्व करने से हमारा फाइनल इक्वेशन बन जाएगा इक्वेशन, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा माइनस फोर पॉइंट फाइव प्लस थ्री बाई टू इंटू ई इंटू हमारा देखो आयोटा आई का वैल्यू फोर आई है, सो ये फोर आई इंटू आयोटा सी होगा। और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनल इक्वेशन आएगा माइनस फोर पॉइंट फाइव प्लस थ्री बाई, नहीं ये हमारा हो जाएगा टू से हम इसको डिवाइड करेंगे तो सिक्स ई आई टाइम्स आयोटा सी, ये हमारा इक्वेशन फाइव हो जाएगा। और एक और चीज देखो दोस्तों, हम एम डी सी का इक्वेशन नहीं बनाएंगे, एम डी सी का इक्वेशन नहीं बनाएंगे क्योंकि ये जो हमारा ये जो वैल्यूज है एम सी डी ये हमारा फाइनल मोमेंट डिनोट रिप्रेजेंट करता है, फाइनल मोमेंट रिप्रेजेंट करता है एट द सपोर्ट्स। और हमारा जो ये इंड डी है ये सिंपली सपोर्टेड होने की वजह से यहाँ पे हमारा मोमेंट जीरो होता है, सो इसकी हमें कोई इस इक्वेशन की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सो हम एम डी सी को छोड़ देंगे। अब हम लगाएंगे इक्वेशन कंसीडर करेंगे ज्वाइंट बी और सी को, और उससे हम फाइनल आंसर फाइंड करेंगे। सो दोस्तों स्टेप हमारा ये थ्री होगा, और इसमें हम कंसीडर करेंगे ज्वाइंट बी एंड सी को। सो पहले हम ज्वाइंट करते हैं कंसीडर करते हैं ज्वाइंट बी को, जो हमारा इंटरमीडिएट सपोर्ट है, मतलब जो हमारा बीम था, ये हमारा बीम हो गया, ये फिक्स्ड एंड है ए, और ये हमारा बी है, और ये सी है, और ये डी है। तो इंटरमीडिएट ज्वाइंट हमारा बी और सी है, इसीलिए हम ज्वाइंट बी और सी को कंसीडर करेंगे। और इस पर हम लगाएंगे ज्वाइंट बी पे एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल्स टू जीरो, और जो हमारा इक्वेशन है एम बी ए वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एम बी ए हमारा इक्वेशन है माइनस फोर सॉरी प्लस फोर पॉइंट फाइव प्लस टू ई आई टाइम्स आई बी, और ये हमारा एम बी सी का इक्वेशन हो जाएगा माइनस थ्री पॉइंट सेवन फाइव प्लस फोर ई आई टाइम्स आई बी प्लस टू ई आई टाइम्स आई सी इक्वल्स टू जीरो, और इसका हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा सिक्स ई आई टाइम्स आई बी प्लस टू ई आई
टाइम्स आई सी इक्वल्स टू माइनस 0.75, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 7। सिमिलरली हम ज्वाइंट सी को कंसीडर करेंगे। अब ज्वाइंट सी को कंसीडर करेंगे तो हम लगाएंगे एम सी बी प्लस एम सी डी इक्वल्स टू 0। सी सेंटर पे आना चाहिए, सो हम लगाएंगे एम सी बी प्लस एम सी डी इक्वल्स टू 0। और हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा इक्वेशन। सो तो हमारा एम सी डी सी बी का जो इक्वेशन है ये 3.75 प्लस 4 ई आई टाइम्स आई सी प्लस 2 ई आई टाइम्स आई बी है, और एम सी डी जो इक्वेशन है ये हमारा माइनस 4.5 प्लस 6 ई आई टाइम्स आई सी, और ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एक इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन 9 और सॉरी इक्वेशन 8 हमारा बनेगा। और इसको हमारा जो इक्वेशन 8 है वो हमारा हो जाएगा 2 ई आई टाइम्स आई बी प्लस 10 ई आई टाइम्स आई सी इक्वल्स टू 0.75, और ये हमारा इक्वेशन हो गया 8। अब हमारा स्टेप 4 हो जाएगा सॉल्विंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8, जो कि हम कैलकुलेटर से परफॉर्म करेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। पहले हम और शिफ्ट मोड में जाएंगे और 5 क्लिक करेंगे इक्वेशन के लिए, और फर्स्ट 1 हम सिलेक्ट करेंगे। फिर ये हमें वैल्यू मांगेगा तो हम इक्वेशन 7 का वैल्यू देंगे, जो हमारा 6 है वो कांस्टेंट वैल्यू इसमें डालेंगे। तो ये हमारा 6 डालेंगे पहले, फिर हम 2 डाल के इन इक्वल्स टू प्रेस करेंगे और ये माइनस 0.75, सो माइनस 0.75 प्रेस करेंगे। फिर हमारा आ जाएगा ये इक्वेशन 8 का बारी, तो इसमें हम फिर 2 डालेंगे इक्वल्स टू, फिर 10 इक्वल्स टू, और ये 0.75 जो पॉजिटिव था इक्वल्स टू, और फिर हम इक्वल्स टू प्रेस करेंगे। जो हमारा पहला वैल्यू आएगा वो हमारा ई आई टाइम्स आयोटा बी का वैल्यू होगा। सो तो हम लिखेंगे ई आई टाइम्स आयोटा बी इक्वल्स टू माइनस 0.16 आया, और फिर हम इसमें एक बार और इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव आ गया, वैल्यू आया ई आई टाइम्स आयोटा सी इक्वल्स टू 0.107। सो अब हमारा स्टेप 5 है जिसमें हम फाइनल मोमेंट फाइंड करेंगे। स्टेप 5 में फाइनल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों जब हमारा ये सब इक्वेशन था और हमने इसमें क्या किया है, ई आई टाइम्स आयोटा भी बी का वैल्यू जो हमारा ये माइनस 0.16 आया था ये हमने इसमें पुट किया है, और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आया है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम ई आई टाइम्स आयोटा बी का वैल्यू माइनस 0.16 डाला है, और इसका वैल्यू हमारा प्लस 4.18 आया है, और इसमें हम ई आई टाइम्स आयोटा बी का वैल्यू जो माइनस 0.16 आया है वो हमने डाला है, और ई आई टाइम्स आयोटा सी का वैल्यू 0.107 डाला है, तो ये हमारा इतना वैल्यू आ गया है। और जैसे कि एम डी सी हमारा मैंने रिलीज इक्वेशन पहले ही बता दिया था कि ये सिंपली सपोर्टेड होने की वजह से इसका मोमेंट हमारा फाइनल मोमेंट 0 होगा, सो इसको नॉर्मली हम 0 लिख देंगे। और अगर हम इसको बीम में दिखाएंगे तो देखो दोस्तों क्या होगा, हमारा मोमेंट इस टाइप का कुछ आएगा। और आप अगर आपके पास अगर क्वेश्चन आ रहा है कि ये 4.18 और ये 4.176 ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम जब वैल्यू उठाए होंगे ई आई टाइम्स आयोटा सी का, तो राउंड ऑफ ना करने की वजह से ऐसा हो सकता है। और जैसे कि देखो माइनस 4.176 है, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 4.18 ऑब्वियसली ये होगा राउंड ऑफ करने के बाद, सो ये इक्वल है, इससे ज़्यादा कुछ फर्क। तो ये रहा हमारा स्टेप 5। हम स्टेप 5 में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करते हैं। तो हमारा देखो स्पैन ए बी जो है ये एसिमेट्रिकली लोडेड है, तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है बेंडिंग मोमेंट के लिए डब्ल्यू ए बी बाय एल।
और इसका मोमेंट हमारा आएगा 6 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली BC जो है वो सेंटर पे लोडेड है, तो इसका मोमेंट का फार्मूला होता है WL/4। इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो 7.5 किलो न्यूटन मीटर आएगा। सिमिलरली CD UDL है, तो इसका फार्मूला होता है WL²/8। इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा ये आएगा 4.5 किलो न्यूटन मीटर। अब हम एक और बीम बनाएंगे जिस पे हम ये मोमेंट है वो प्लॉट करेंगे। तो देखो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हो, मैंने दूसरा बीम बना लिया है, तो इस पे अब हम ये मोमेंट पहले प्लॉट करेंगे। जैसे ये हमारा 6 किलो न्यूटन मीटर आया है और ये अब पॉइंट टू लग रहा है, तो इसका ट्रायंगल बनेगा। तो इसका हम ट्रायंगल बनाते हैं पहले, और ये जो हमारा वैल्यू है ये हमारा 6 किलो न्यूटन मीटर है। सिमिलरली हमारा BC 7.5 किलो न्यूटन है, तो इससे थोड़ा बड़ा हम बनाएंगे। ठीक है, और सॉरी ये इसके सामने होता। और एक और चीज़, हमें ये बार बार बीम बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए जब ज़रूरत पड़ती थी मैंने बीम बनाया था। जब आप सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल उसी टाइम थोड़ा नीचे स्पेस छोड़ देना, जब आप ये डायग्राम बना मतलब ये बीम बनवाओगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त स्पेस छोड़ देना। फिर आपका जब न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा फिर उसके नीचे आप ये डायग्राम बना देना। तो ये हमारा 7.5 किलो न्यूटन हो गया, और ये हमारा 4.5 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। 4.5 किलो न्यूटन मीटर हो गया। अब जो हमने मोमेंट फाइंड किया था ये हमारा ABCD हो गया, और जो हमने अब मोमेंट फाइंड किया था, जैसे हमारा ए पे एम ए बी हमारा कितना आया था देखते हैं। जैसे कि हमारा एम ए बी 1.54 आया था, ठीक है, और हमारा एम बी ए 4.18 आया था, ठीक है। तो इसको हम स्ट्रेट लाइन में दिखाएंगे, 4.18, और वैसे ही 3.85 आया था, तो 3.85 ही दिखाएंगे हम, 3.85, और ये हमारा नेगेटिव था। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये जो सॉरी ये हमारा डी पे जो मोमेंट था ये जीरो था, तो हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे और ये इधर ज्वाइन होगा ऐसे, ठीक है, और ये फाइनली यहाँ पे मीट हो जाएगा 1.54 पे। अब हम क्या करेंगे, शेडेड करेंगे, तो इसको शेडेड करते हैं, जो एक्स्ट्रा ऊपर वाला पोर्शन रहेगा उसको हम शेडो करेंगे। और अब शेडो करने के बाद हम यहाँ में यहाँ पे सिंबल लगाना है पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो देखो, जो ये हमारा मेन ट्रायंगल जो था, मेन मोमेंट जो हमने फाइंड किया था नॉर्मली, तो ये हमारा सब पॉजिटिव होगा, ये वाला पोर्शन सब पॉजिटिव होगा, और बाद बाकी जितना भी है सब हमारा नेगेटिव होगा। बस डाल लो सिंबल, हो गया, नहीं पड़ेगा। और ये हमारा फाइनल स्टेप्स था, और आप लोगों को मैं अब एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जिसमें मैंने कि जैसा कि मैंने बोला था उसमें हम ये नॉर्मली जो इक्वेशन यूज करते हैं वो हम यूज करेंगे, तो देखो क्या डिफिकल्टीज आती है। दोस्तों ये रहा हमारा एग्जांपल, इसमें मैंने डायरेक्टली फाइनल मोमेंट के लिए इक्वेशन बनाया हुआ है, जिसमें मैंने वही फॉर्मूला यूज किया है जो हम जनरली यूज करते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन के लिए। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि हमने ज्वाइंट बी जब कंसीडर किया है, तो कंसीडर ज्वाइंट बी, तो हम लगाएंगे एम बी ए प्लस एम बी सी, तो देखो हमारा क्या बन रहा है, हमारा एक ही इक्वेशन बन रहा है। एक इंटरमीडिएट ज्वाइंट हमारा एक होने की वजह से इक्वेशन तो हमारा एक ही बन रहा है, पर देखो क्या है, हमारा वेरिएबल दो आ गया, ई आई टाइम्स आयोटा बी, ई आई टाइम्स आयोटा सी, तो ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये हमारा इक्वेशन आगे सॉल्व होगा ही नहीं। इस वजह से हम ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे कि जब हमारा फाइनल एंड मोमेंट अगर सिंपली सपोर्टेड होता हिंज रहेगा, तो ये हम इक्वेशन नहीं लगा के, जो मैंने आपको बताया था हम इसको क्या लगाते, एम बी सी इक्वल्स टू एम बी सी कैप माइनस एम सी बी बाय टू प्लस थ्री बाय टू ई आई टाइम्स आयोटा बी लगाते, ये इक्वेशन हम लगाते, फिर हमारे पास सिर्फ दो एक इक्वेशन बनता एम बी ए प्लस एम बी सी, और हमारे पास वेरिएबल भी एक ही रहता, तो
इजीली सॉल्व हो जाता, हम फाइनल मोमेंट फाइंड कर लेते। यही था कंसेप्ट स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मुझे विश्वास है कि मैं आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन दूर कर चुका होगा इस वीडियो के जरिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करिए। थैंक्स, और सिविल लर्निंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। हैव अ नाइस डे।